चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ प्रशासन कोशिश करता है कि परीक्षा सही से आयोजित की जाए, वहीं दूसरी ओर कुछ ना कुछ चूक प्रशासन के द्वारा ही रह जाती है। दरअसल हरियाणा के अंबाला शहर में HCS व नीट की परीक्षाओं का आयोजन प्रशासन द्वारा किया गया था, जिसमें काफी दूर से विद्यार्थी तैयारी करके परीक्षा देने आए थे और मौसम खराब होने के कारण काफी बच्चों को प्रशासन की सख्ती और मुसीबत का सामना करना पड़ा। दरअसल मौसम खराब होने की वजह से बच्चों ने यह आरोप लगाया कि उन्हें सेंटर मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ बच्चे तो जाम लगा होने की वजह से सिर्फ 2 मिनट लेट थे, उन्हें भी अंदर आने की अनुमति नहीं मिली। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सुबह और दोपहर की 2 शिफ्ट में हजारों परीक्षार्थियों को आज परीक्षा देनी है। कौन सी जगह से आए हो? सर मैं करनाल से आई हूँ, कलसी करनाल से। क्या समस्या आई? सर मेरे पास ओरिजिनल आईडी नहीं थी, इस वजह से मुझे जाने नहीं दिया अंदर, और मैं टाइम पे थी। मैंने बोला भी था कि लास्ट में मैं दिखा दूंगी सब कुछ, मेरे से लिखवा लो, चाहे कोई भी समस्या आएगी मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ बाद में अगर कुछ भी होगा तो। लेकिन इन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया अंदर, इनकी हायर जो अथॉरिटी थी उन्होंने बात करने से बिल्कुल मना किया। तो किस कारण लेट हो गए? जाम था और बारिश की वजह से पूरे रास्ते ब्लॉक थे, आठ घंटा जाम में फंसे हैं। क्या समस्या आ रही है अंदर जाने के लिए? जाने नहीं दे रहे अंदर हमें।